नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। आज आप लोगों के बीच हम गौरीगंज में हैं और गौरीगंज में हमें आज अचानक हमारा जो लाइसेंस बना हुआ था करीब 10-12 साल पुराना था, तो लाइसेंस को रिप्लेसमेंट कराना था, जो नए वाले कार्ड में अपडेट कराना था। तो करीब हम आज लाइसेंस का जो एक्सपायरी है 10 साल अभी और है, तो रिप्लेसमेंट के लिए आए थे। हमने यहाँ पर देखा ये RTO ऑफिस आए हुए, RTO ऑफिस का ये बोर्ड लगा हुआ है। RTO ऑफिस पहले गौरीगंज के मुंशीगंज रोड पर हुआ करता था, लेकिन 3 साल हो गया अभी ये ठेहा वाले रोड पे रेलवे फाटक से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, यहाँ हो गया है। अगर आपको RTO ऑफिस आना है लाइसेंस रिलेटेड कोई कामकाज, तो 4 किलोमीटर इसी डिस्टेंस में आना है। यहाँ आकर के कुछ दुकानें जहाँ से आप ऑनलाइन काम करवा के अंदर जमा करा सकते हैं, तो उसका चार्ज जो भी होगा दुकानदार के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो लोकेशन दिखाना चाहते थे, पहले लाइसेंस का जो RTO ऑफिस था पहले मुंशीगंज रोड पे था, अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो आप लोग प्रॉपर लोकेशन दिखा देंगे, जिसका भी काम होगा आप आके यहाँ पे अपना काम करवा सकते हैं। बस ये दिखाना था, थोड़ा सा बैक कैमरा से आपको दिखा देते हैं। तो ये अठेहा रोड है, यहाँ से गौरीगंज का जो दूरी है चौराहे की 4 किलोमीटर है। तो ये मेन लोकेशन है, यहाँ पे मतलब RTO ऑफिस के सामने दुकानें हैं जहाँ से आप ऑनलाइन लाइसेंस काम फॉर्म भरवा सकते हैं, और ये ऑफिस है। तो पहले की अपेक्षा अभी यहाँ शिफ्ट हो गया, 3 साल हो गया, अभी काम पड़ा तो हम भी आए देखे और अपना काम भी करवा के भी निकले। तो सोचा आप लोग को दिखा दें कि अब पहले की अपेक्षा जो RTO ऑफिस था अभी वहाँ से शिफ्ट हो गया। यहाँ बहुत सारे लोग को नहीं पता है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ये लोकेशन है RTO ऑफिस का, ये नज़ारा है। आप लोग अपना काम यहाँ आके करवा सकते हैं। कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अमेठी। तो ये दिखाना चाहते थे आप लोग को, और यहाँ पे आसपास में दुकानें हैं, जैसे आप लाइसेंस हो गया इसका कोई भी काम, लाइसेंस का रिन्यू या अपडेट कराना है, रिप्लेसमेंट कराना है, नया बनवाना है, वो सारा कुछ यहाँ पे होता है। तो अभी हमने अपना काम करवा लिया, फिलहाल अब निकलते हैं और दिखाते हैं जो दूर। कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी। ट्रक वो रखा होता भाई मेरा? हाँ, तब पैसा टूट गया पूरा। कई साल हो गया बिल्डिंग बने? ज़्यादा दिन होगा भैया? 3 साल। 3 साल महारा देशन खराब है इनके, तो सकल सूरत उतर। दोस्तों, जैसे ही हम RTO ऑफिस में एंटर करते हैं, गेट पे लिखा है कार्यालय के अंदर गुटखा पान खाकर थूके जाने पे 500 रुपये का जुर्माना है। तो RTO साहब, बाबूजी, आपके हम ऑफिस की हालत दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं कैसे दरवाजे पे थूका गया है, लोग आ जा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये खिड़की के बगल थूका गया है और ऐसे अन्य जगहों पे पूरे कार्यालय में थूका गया है। दोस्तों, अभी हम ले चल रहे हैं आपको RTO ऑफिस दिखा रहे हैं। इस RTO ऑफिस का जो निर्माण हुआ था अभी 3 साल पहले हुआ था, जैसा कि हमने बात करते हुए अंदर की तरफ बढ़ रहे थे पांडे जी से, वो दलाल थे जो हमारे लाइसेंस के कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रोसेस में डाले हैं। अब उनके साथ हम दफ्तर दिखाने चल रहे हैं, थोड़ा हाइडली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दिखा सकते हैं आपको कि यहाँ की कंडीशन क्या है। बारिश थोड़ा हुई, पानी भरा पड़ा है। 3 साल की बिल्डिंग कैसे यहाँ देख सकते हैं, इसका रंग उतर चुका है। अभी रंग बाहर से जैसे उतरा हुआ है, इससे कहीं ज़्यादा अच्छा रंग अंदर उतरा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे जहाँ पे खिड़की होती है बाहर साइड के लिए, वहाँ पे पान खा के थूका गया है। उसकी कुछ तस्वीरें आपको पहले भी दिखा चुके हैं, कुछ अभी आगे भी दिखाएंगे। तो अगर पहुँचते हैं जो मेन साहब बैठते हैं, साइन करते हैं, तो साइन करने का कुछ चार्ज भी होता है। चलो देखते हैं, ये साहब जी बैठे हैं। कुछ काम हमारा इसके सेकेंड फ्लोर पर था, ऊपर जाते हुए देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गंदगी मची है, पूरा गंदा बना रखा है, जगह जगह पे सीढ़ियों पे, खिड़की के बाहर सभी जगह थूका गया है। अब इन सीढ़ियों पे भी थूका गया है, अब यहाँ पे चलान किसके ऊपर होगा? हमें तो लगता है यहाँ के RTO ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं सबके ऊपर चलान कटना चाहिए, सबको 500-500 रुपये का जुर्माना देना चाहिए, और जुर्माना के साथ सबको जेल होनी चाहिए। उनके लिए इतना प्यारा सा दफ्तर बनाया जाता है, लोग गुटखा खा के गंदगी फैलाते हैं, यहाँ तक कि हमें रोकथाम करना चाहिए कि गुटखा को बैन करना चाहिए, जिससे हम लोगों के बीच बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बीमारियाँ होती है। और सरकारी दफ्तर ऐसे ही कब तक बदनाम रहेगा, क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद,